पर गाड़ी चलाते समय एक चौराहे पर एक ट्रक उनके कार से टकरा जाता है क्योंकि स्टॉप साइन नहीं होता है। सौभाग्य से वो बच जाते हैं। वहाँ पुलिस आते हैं और दुर्घटना के बारे में पढ़ता है। सड़क के ठीक बगल में एक एंटिक शॉप होता है जिसके एक बॉडी गार्ड चलाती है। एलिस नोटिस करती है कि वो लेडी जमीन पर से एक गोल्डन टीपॉट उठा रही होती है। टीपॉट से आकर्षित होकर एलिस दुकान के अंदर चली जाती है। एलिस वो टीपॉट को छूती है और तुरंत लेकर वो दुकान से बाहर भाग जाती है और अपने पति को कार चलाने के लिए कहती है और वो वहाँ से बहुत तेजी से जाने को कहती है। जॉन हैरान होता है कि उसकी पत्नी ने कुछ चुराया है, लेकिन एलिस करने के लिए बात कर रही होती है। वो अपने बालों को सीधा कर रही होती है। एलिस गलती से हेयर स्ट्रेटर से अपना सर जला लेती है और अचानक से टीपॉट छीलने लगती है, जिससे उसके हाथ से फोन फिसल जाता है और वो टीपॉट को ढक्कन को हटाती है और उसमें से कुछ डॉलर दिखती है। वो सोचने लगती है कि ऐसा करने से वो फिर जानबूझकर अपना सर को एक बार और जला लेती है और टीपॉट फिर कांपने लग जाता है और इस बार इसमें से $700 निकलते हैं। फिर एलिस एक बार कुर्सी पर लात मारती है और उसके पैर और उंगली में चोट पहुंचाकर एक बार फिर ट्राई करती है। अब देखती है कि टीपॉट से ज्यादा पैसा निकलना शुरू।